वेल दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 12 के पवनदीप राजन से जुड़ी एक और धमाकेदार और एक्सक्लूसिव खबर आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, पवनदीप राजन का पहला गाना तेरे बगैर रिलीज हो चुका है और रिलीज होते ही कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम पर कर चुका है। आज हम आपको बताएंगे दोस्तों कि पवनदीप राजन कहाँ गए हैं। पवनदीप राजन गए हैं हिमेश रेशमिया के घर में, जी हाँ, और वहां पर किस तरह की मस्ती हुई, किस तरह का धमाल हुआ, किस तरह से जश्न मनाया गया, ये बात आज हम आपको बताने वाले हैं। तेरे बगैर जो है पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल का गाना है, जिस गाने को कंपोज किया है हिमेश रेशमिया साहब ने और लिखा है समीर साहब ने। अब आज हम आपको बताएंगे दोस्तों कि पवनदीप राजन हिमेश रेशमिया के घर पहुंचे, घर पहुंचते ही क्या माहौल है और साथ ही साथ किस तरह से जीत का जश्न मनाया गया, ये बात आज हम आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया है तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। चलिए आपको बताते हैं ये एक्सक्लूसिव न्यूज़। पवनदीप राजन, जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता है, दमन में शूट कर रहे थे, क्योंकि कोविड-19 के चलते सारी की सारी मुंबई की शूटिंग जो है पूरी तरह से रुक चुकी हुई थी। इसके बाद मुंबई की जो शूटिंग का शेड्यूल है उसे पूरी तरह से चेंज कर दिया गया, दमन में रखा गया। दमन में शूट जो है उसे कंप्लीट करने के बाद हिमेश रेशमिया के घर पहुँचे पवनदीप राजन, और गाड़ी की तस्वीर जो है पवनदीप राजन की, वो उसकी जो है तस्वीर ऑनलाइन जो है वो लीक भी हुई है। साथ ही साथ पवनदीप राजन, अरुणिता कांजीलाल तो उनके साथ नहीं थी, लेकिन पवनदीप राजन अकेले पहुंचे हिमेश रेशमिया के घर में, जहां पर हिमेश रेशमिया ने काफ़ी ज़्यादा सराहा पवनदीप राजन को, क्योंकि पवनदीप राजन ने काफ़ी अच्छा गाया है इस गाने में, और साथ ही साथ अरुणिता ने भी अच्छा गाया है। लेकिन अरुणिता पहुंची नहीं थी हिमेश रेशमिया के घर, पवनदीप राजन वहां पर पहुंचे थे। तो पवनदीप राजन और हिमेश रेशमिया के बीच में क्या बातचीत हुई, तो हम आपको बता दें दोस्तों कि पूरी तरह से सक्सेस पार्टी के तहत ही पवनदीप राजन जो है हिमेश रेशमिया के घर में पहुंचे हैं, क्योंकि तेरे बगैर जो गाना है, इस गाने ने एक दिन में ही बहुत ज़्यादा व्यूज़ पा लिया है। 8.5 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं अब तक, और साथ ही साथ कई सारे रिकॉर्ड भी अपने नाम पर दर्ज करवा चुका है। दूसरे दिन भी लगातार ट्रेंड रहा पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल का गाना तेरे बगैर, और इसे देखते हुए हिमेश रेशमिया ने पवनदीप राजन को बुलाया। साथ ही साथ पवनदीप राजन के साथ जीत का जश्न भी मनाते हुए दिखाई दिए, जहां पर पार्टी हुई, और साथ ही साथ वहां पर हिमेश रेशमिया के कुछ दोस्त वहां पर शामिल थे, पवनदीप राजन के भी कुछ दोस्त वहां पर शामिल थे। बहुत सारी पार्टी हुई और साथ ही साथ काफ़ी सारा धमाल हुआ, और आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर भी बातचीत हुई पवनदीप राजन और हिमेश रेशमिया के बीच में। तो ये बड़ी बात जो है वो निकल कर सामने आ रही है, सोचा हम आप सभी दर्शकों के साथ शेयर कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्विक टीवी न्यूज़।